नमस्कार मित्रों, कृषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है पांच प्रेत। नगर अभी दूर था, वन हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा था। सौ विशाल वृक्ष, सरोवर और शिव मंदिर देखकर आचार्य महेश्वर वही रुक गए। शेष यात्रा अगले दिन पूरी करने का निश्चय कर थके हुए आचार्य महेश्वर शीघ्र ही निद्रा देवी की गोद में चले गए। आधा लाल सघन अंधकार जीव जंतुओं की रखकर आ रही भयंकर आवाजें आचार्य प्रवर की नींद टूट गई। मन किसी बात पर विचार कर उससे पूरे ही उन्हें कुछ चिस्किया सुनाई दी। उन्हें लगा पास में कुछ अंधकूप है, उन्हें कोई पड़ा हुआ रोदन कर रहा है। अब तक सप्तमी का चंद्रमा आकाश में ऊपर आ गया था, हल्का हल्का प्रकाश फैल रहा था। आचार्य महेश्वर कुप के पास आए और जाकर देखा तो उसमें पांच प्रेत तिल बिला रहे थे। जो दुखी अवस्था में पड़े प्रेतों का देखकर महेश्वर को दया आ गई। उन्होंने पूछा, तात आप लोग कौन है? वह दुर्दशा आप लोग क्या भुगतते रहे हैं? उससे पहले सबसे बड़े प्रेत ने बताया, हम लोग प्रेत हैं। मनुष्य शरीर में किए गए पापों का दुष्परिणाम भुगतते रहे हैं। आप संसार में जाए और लोगों की बताए जो पाप कर रहे, हम लोग प्रेत योनि में आ पड़े हैं। वह पाप और कोई न करे। आचार्य ने पूछा, आप लोग तो बताए कौन कौन से पाप आप सबने किए है? तभी तो लोगों को उन्हें बचने के लिए कहा जा सकता है। मेरा नाम पर्युषित है, आर्य। पहला पुरुष ने बताया, प्रारंभ किया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। विद्या की खूब बड़ी थी, किंतु अपने योग्यता का लाभ समाज को देने की बात तो छुपा लिया था। अपने पांडित्य से लोगों में अंधश्रद्धा अंधविश्वास जितना फैला सकता था फैलाया, और वह उचित अनुचित तरीके से केवल यजमानों से द्रव्य दोहन किया। उसी का प्रतिफल आज उस रूप में भुगत रहा हूँ। ब्राह्मण होकर भी जो ब्रह्म नहीं रखता, समाज को धोखा देता है, वह मेरी तरफ से प्रेत होता है। मैं क्षत्रिय था पूर्व जन्म में। अब मुख नामक दूसरे प्रेत ने आत्मकथा करनी प्रारंभ किया, मेरे शरीर में शक्ति की कमी नहीं थी, मुझे लोग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। रक्षा करना तो दूर, प्रमाद वंश में प्रजा का भक्षण ही बन बैठा। चाहे किसी को दंड देना, चाहे किसी को लूट लेना ही मेरा काम था। एक दिन मैंने एक अबला का देखा जो जंगल में अपने बेटे के साथ जा रहा थी। मैंने उसे भी नहीं छोड़ा, उसका सारा धन छीन लिया, यहाँ तक का पानी तक लेकर पी गया। दोनों प्यासे तड़प कर वही मर गए। उसी पाप का प्रतिफल प्रेत योनि में पड़ा भुगतता रहा हूँ। दूसरा शीघ्राग्र ने बताया, मैं था वैश्य, मिलावट कम तोले उच्चे भाव तक भी सीमित रहना तब भी कोई बात थी। व्यापार में अपने साथीदारों तक का गला काटा। एक बार दूर देश वाणिज्य के लिए अपने एक मित्र के साथ गया, वहाँ से प्रचित धन लेकर लौट रहा था। रास्ते में लालच आ गया, मैंने अपने मित्र की हत्या कर दी और उसकी स्त्री बच्चों को भी धोखा दिया। वह झूठ बोला, उसकी पत्नी ने उसी दुख में अपना प्राण त्याग कर दिया। उस समय तो किसी की पकड़ में नहीं आ सका, पर मृत्यु के आखिर कौन बचा है? था मेरे पाप जो मरकाल समित आता गया, मुझे संताप की भट्टी में जो से गए और आज ही मेरी स्थिति है वह आप देख ही रहते हैं। पाप का प्रतिफल ही है जो इस प्रतियोगी में पड़ा मल मूत्र पर जीवन निर्वाह करने को विवश है। अंग अंग में वर्ण फूट रहते, दुखों का कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा। जब तोते की बारी थी, उसने अपने घावों पर बैठी मक्खियों को
झांकते और शिष्क हुए कहा तार मैं पूर्व जन्म में रौदक नाम का सुंदर था। तरुणाई में मैंने याद किया कामुकता मेरे मस्तक पर बुरी तरह सवार हुई। पति मेरे लिए भगवान हो गए उसकी हर सुख की सुविधा पर ध्यान दिया पर अपने माता पिता भाई बहनों का कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर उन्हें श्रद्धा और सम्मान भी नहीं दिया। अपने बड़ों के कभी पैर हो मुझे ऐसा एक भी क्षण स्मरण नहीं। आदर करना तो दूर जब तक उन्हें धमकाया और मारा पिता माता पिता बड़े दुख और असह्य स्थिति में मेरे एक स्त्री ने चुप्पी नहीं हुई तो और विवाह किए। पहली पत्नी को सताया घर से बाहर निकाला उन्हीं सब कर्मों का प्रतिफल देते रहा हूँ। मेरे दास और अब छुटकारों का कोई मार्ग दिखाई नहीं रहा। चार प्रेत अपनी बात कहने चुके किंतु पांचवा प्रेत तो आचार्य महिधर की और मुख भी नहीं कर रहा था। उसने पर अन्य प्रेतों ने बताया ये तो हम लोगों की मुँह नहीं देखते बोलते बातचीत तो करते पर अपना मुँह उन्होंने आज तक नहीं दिखाया। आप भी तो कुछ बताइए आचार्य प्रेवर ने प्रश्न किया। इस पर जिंदिया के स्वर में मुँह पीछे ही फेर फेर पांचों प्रेत ने बताया मेरा नाम कलाकार है। मैं पूर्व जन्म में एक अच्छा लेखक था पर मेरी कलम से कभी नीति धर्म और सदाचार नहीं लिखा गया। कामुकता अहिंसता और उद्दवत्पन्न बताने वाला साहित्य लिखा। मैंने ऐसे ही संगीत नृत्य और अभिनय का सृजन किया जो स्वर्ग में स्वर्ग और उत्साह जगाने वाला रहा हो। मैं मूर्तियाँ और चित्रों में एक से एक भावपूर्ण बना सकता था किंतु उन्हें मेरी रुचि वर्धक वासनाएं और अहिंसा से गरी सारे समाज को भ्रष्ट करने का अपराध लगाकर मुझे अपराध में पेश बना दिया। किंतु मैं यहाँ भी इतना लज्जित हूँ कि अपना मुंह इन पेश भाइयों को भी नहीं देखा सकता। आचार्य मरे धने अनुमान लगाया अपने अपने कर्तव्यों से गिरे हुए वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और कलाकार कुल पांच ही थे। उन्हें प्रेत योनि का कष्ट भुगतना पड़ रहा है और आज जब की छुट्टी का हर ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और प्रत्यक्ष शूद्र कर्तव्य च्युत हो रहा है। हर कलाकार अपनी कलम और तुलिका से हित अनाहित पर परवाह किए बिना वासना की गंदगी के कीचड़ उछाड़ रहा है। जब आने वाले कल में प्रेतों की संख्या कितनी बढ़ गई होगी कुछ मिलाकर सारी धरती नरक में ही बदल जाएगी। 100 लोगों का कर्तव्य जागृत करना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब तक प्रांत काल को चुका था आचार्य मुरीधर यह संकल्प लेकर चले पड़े। पांच प्रेतनों की कहानी सुनकर मार्ग भ्रष्ट लोगों की सही पथ प्रदर्शन करने लगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।